हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लॉगिंग ईरा नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने लास्ट ईयर एमसीए के लिए। तो यहाँ पे क्लॉगिंग ईरा का मतलब है प्लॉगिंग जो करते हैं, अभी यहाँ पे जॉगिंग करते समय आपको कुछ कचरा भी उठाना है, ये क्लीनिंग करना है रिवर साइड वगैरह, तो प्लॉगिंग का प्रोजेक्ट किया था हमने। ये तो प्लॉगर्स ईरा नाम दिया था, जिसके अंदर जिस प्लॉगर को इवेंट ज्वाइन करना है, जो सैटरडे संडे इवेंट्स होते हैं वो ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आके वो ज्वाइन कर सकता है इवेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे एक अपकमिंग इवेंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर मुझे ये इवेंट ज्वाइन करना है तो ज्वाइन प्लॉगिंग बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा। अगर आपका लॉग इन पहले से नहीं है लॉग इन डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है न्यू प्लॉगर है क्या, अगर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करके आपके सब डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं, फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नियर अबाउट क्लॉगिंग के अंदर मैंने 16 टेबल्स बनाए थे, जिसका नॉर्मलाइजेशन भी हो चुका है। यहाँ पे प्लॉगर यूज़र के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे नेहा नाम से एक एंट्री है, हमें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड से एंट्री करने, नेहा NRC नेहा @123 पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पे आके फिर से एक बार यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ आके नेहा NRC और पासवर्ड लगता है नेहा @123 पासवर्ड रखा है। लॉगिन हो गया, ये लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ये अपकमिंग इवेंट जो भी है ये यहाँ पे जो बाहर दिख रहा था वो दिख रहा है। यहाँ पे आप तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुल। ये एडमिन साइड में प्लॉगिंग आपने ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दी है, तो रिक्वेस्ट आपकी हो जाएगी, मतलब वहाँ पे आपकी एंट्री होगी कि हाँ आप कर आ रहे हो इस प्लॉगिंग के लिए। और आपको यहाँ पे माय इवेंट्स के अंदर, माय ज्वाइंट इवेंट्स के अंदर यहाँ पे उसकी एंट्री दिख रही है। तो ये होम था जिसके अंदर ये जो इवेंट था, लेकिन बाद में ज्वाइन करने के बाद वो एंट्री हट गई और ज्वाइंट इवेंट के अंदर आ गई, ज्वाइंट इवेंट्स के अंदर यहाँ पे आ गए। आपको अब तक की अगर गैलरी देखनी है तो आप गैलरी देख सकते हो, कुछ हमारे क्लास के बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो प्लॉगिंग एक्टिवली अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं के मैंने यहाँ पे इमेजेस रख दिए हैं। आपको अगर कुछ पोस्ट करनी है, आपने प्लॉगिंग ज्वाइन की और बाद में आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ हमने प्लॉगिंग के समय ये किया और उसकी आपको इमेजेस कुछ अपडेट करनी है, तो आप यहाँ पे आके पोस्ट भी कर सकते हो। जो पोस्ट यहाँ पे बाद में आपको व्यू हो सकती है, कोई भी अगर पोस्ट करता है तो पोस्ट यहाँ पे दिख सकते हैं। यहाँ पे उस पोस्ट को लाइक भी कर सकता है, कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट भी कर सकता है। इस कमेंट्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट की रखी है, मतलब ट्राई किया था हमने कि हाँ ये कमेंट सेक्शन में हाँ दिस इज बेस्ट इवेंट वगैरह ऐसा करके। ये हो गई हमारी यूजर साइड, यूजर लॉग इन करने के बाद ये चीजें कर सकता है। यहाँ पे आके मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी भी है। मुझे यहाँ पे आके अगर मुझे मेरी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है तो प्रोफाइल पिक्चर भी मैं अपडेट कर सकता हूँ और लॉग आउट भी कर सकता हूँ। तो ये एक हो गया हमारा जो प्लॉगिंग प्लॉगर है, प्लॉगर रजिस्टर करके एक अगर करना चाहता है तो कर सकता है। यहाँ पे वो प्लॉगर भी हो सकता है, यहाँ पे अगर कुछ डोनेट करना चाहता है कि या जैसे कि ग्लोव्स है, डस्टबिन है, या फिर कुछ वो डोनेट करना सकते करना चाहता है तो वो डोनेट भी कर सकता है। फिर ये पूरे डिटेल्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे प्लॉगिंग क्या होता है, मैंने यहाँ पे लेट्स गो प्लॉगिंग डाल रखा है। पिकिंग अप लिटर व्हाइल जॉगिंग इज कॉल्ड प्लॉगिंग, इजंट इट अ गुड आइडिया? जॉगिंग एज एन एक्सरसाइज इट कम। तो ये कांसेप्ट है, ये पुणे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको भी अगर लगता है कि हाँ मैं भी ये इस प्लॉगिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हो। तो ये लॉगिन आप एज अ प्लॉगर एज अ डोनर भी कर सकते हो। तो एज अ प्लॉगर तो हमने देख लिया, एज अ डोनर भी आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है या लॉगिन करना है तो कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन मैं यहाँ पे कर रखा है मैंने पहले से ही। मैं यहाँ पे काव्या बी @123 नाम से पासवर्ड भी है, लॉगिन में एरर आ गई। तो ये यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कुछ यूज़र नेम पासवर्ड रख दिए थे यहाँ पे। डेटाबेस के अंदर मैं आके सिंपली चेक कर रहा हूँ। वैसे तो ये विजिबल इनविजिबल भी सेट कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने अभी
आपको दिखाने के लिए विजिबिलिटी ट्रू सेट करके रखी है। यहाँ पे काव्या बी और काव्या एट द रेट 123 ऐसा पासवर्ड है, तो मैं ये काव्या बी और काव्या एट द रेट 123 पासवर्ड लॉग इन हो गया। ये डोनर डैशबोर्ड है, जीवा हमने सेम ही रखा है डोनर डैशबोर्ड के लिए। उसको अभी डोनेशन देना है या डोनेशन बाय यूपीआई करना है, डोनेशन बाय कार्ड करना है, डोनेशन जो भी जिस भी अमाउंट से करना है, जिस भी मेथड से करना है, तो यहाँ से आके वो डोनेशन भी कर सकता है। अपकमिंग इवेंट अगर डोनर भी चाहता है कि उसे अपकमिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकता है। अपकमिंग इवेंट्स के यहाँ पे डेट सिंपल यहाँ पे लिख दिए, टू ज्वाइन एज अ प्लॉगर यू मस्ट नीड टू क्रिएट अ प्लॉगर अकाउंट टू ज्वाइन एज अ प्लॉगर। ठीक है, तो डोनर को हमने सिंपल ये दिखाया कि आपको अगर इवेंट ज्वाइन करना है तो यू हैव टू ओपन एन प्लॉगर अकाउंट, तो उसे भी वही सेम गैलरी डोनर को भी शो की है। डोनेशन हिस्ट्री जो भी है, अब तक कितने डोनेशंस उन्होंने किए हैं, डोनर ने कौन से मेथड से किया है, कार्ड से किया है, यूपीआई से किया है, ऑनलाइन से किया है, जो भी है उसके डिटेल्स हम यहाँ पे उसे शो करते हैं। डोनेशन डिटेल्स, कब किया था डोनेशन, डोनेशन का आईडी नंबर है, डोनेशन डेट है, डोनेशन मोड है, डोनर के डिटेल्स है और डोनेशन अमाउंट कितनी थी, डोनेशन मेथड क्या थी, वो सब डिटेल्स हमने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे आके सिंपल वो प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डोनर वाला पार्ट, और ये एक पार्ट है एडमिन का पार्ट। यहाँ पे आके मैं वही सेम फीचर्स हमने डोनर को भी रखे हैं। अगर यूजर एडमिन अगर लॉगिन करना चाहता है तो स्लैश एडमिन करके एडमिन लॉगिन भी कर सकता है। यहाँ एडमिन एडमिन एट द रेट 1234। ठीक है, तो टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं, टोटल रजिस्टर्ड डोनर कितने हैं, टोटल इवेंट्स कितने हैं, सबका काउंट हमने मेंटेन किया है। अगर नया इवेंट ऐड करना है तो न्यू इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। इवेंट नेम हम कुछ भी देंगे, यहाँ पे अभी कंसिडर किए डिसम्बर स्टार्ट ऐसा कुछ इवेंट नेम लिखते हैं। लोकेशन हम लिखते हैं भिड़े ब्रिज। डेट लिखते हैं हमें इस संडे करना है तो, या फिर नेक्स्ट संडे करना है, तो ये हो गया। टाइम हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे 14 तो नहीं, अर्ली मॉर्निंग ही रखते हैं, 8:30। ठीक है, उसके लिए अगर आपको इमेज कुछ चूज करनी है तो चूज इमेज फाइल, इमेज में चूज करता हूँ अभी वेब ऐप के अंदर इमेजेस, और मैं यहाँ पे आके कौन सी एक इमेज यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये वाली इमेज मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और इवेंट ऐड करता हूँ। तो टोटल 4 इवेंट थे रजिस्टर्ड इवेंट। मैं फिर से एक बार डैशबोर्ड ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इवेंट्स 5 आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गैलरी भी ऐड कर सकता है यूजर। आपको अगर देखना है कि अपकमिंग कौन से इवेंट है, तो अभी जो हमने बनाया था डिसम्बर स्टार्ट एट बीडे ब्रिज ऑन डेट 4th of December 2022 और 8:30 को ये इवेंट स्टार्ट होगा। तो ये जो भी आपने इवेंट बनाया है वो इवेंट यहाँ पे इस कार्ड के मतलब माध्यम से आपको ये दिखाई देगा। ये प्लॉगिंग के आपको अगर ये पास्ट इवेंट भी देखना है, कितने अब तक इवेंट्स हो चुके हैं, तो पास्ट इवेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने आए हुए थे इसको, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन एक्टिव कितने हैं, तो इन एक्टिव ये एक अभी एक्टिव है इवेंट, सॉरी इन एक्टिव अगर बनाना है, एक्टिव इवेंट है, अगर इन एक्टिव बनाना है तो आप इन एक्टिव भी यहाँ से बना सकते हो। रजिस्ट्रेशन चेक करने हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लॉगर्स, तो अगर देखने हैं आपको तो लिस्ट ऑफ प्लॉगर्स यहाँ पे देख सकते हो आप इस प्लॉगिंग के लिए। आप पहले अभी यहाँ पे नेहा नाम से हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो जितने भी प्लॉगर्स रजिस्टर उस पर्टिकुलर प्लॉगिंग को कर रहे हैं तो यहाँ पे वो डिटेल दिख रहा है। ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मैं चाहूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरा एक एक चीज़ आपको मैं समझा के बैठूँ तो मुझे नियर अबाउट 1.5 आवर तो आपको लगेगा एक्सप्लेन करने में। तो आपको अगर ये इस टाइप के अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं आपके MCA फर्स्ट ईयर या MCA सेकेंड ईयर के बच्चों को अगर ऐसे प्रोजेक्ट करने हैं तो आप कर सकते हो। आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम इस ऐसे ही प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को बनाने में मदद करते हैं। हमारे एक रेगुलर क्लासेस भी होते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो।
उसके लिए आपको इसी नंबर पे आपको डायरेक्ट मैसेज करना है 9730381255। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप या इसी नंबर पे आप हमें आपके डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और ये बैच आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।